गुरु गुरु होता है, देखिए क्या बोल दिया विभिन्न सितारों ने। आइए, अभी अपने किसी गाने में आपने किशोर दा के किसी गाने से रेफरेंस किया? ऑफ कोर्स, बहुत सारे संगीत के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने उनको पूरा ही मतलब संगीतकार बना के दिया था, क्योंकि उन्हें सीखा नहीं था किसी से, और बगैर सीखे जैसा वो गाते थे मैंने ऐसा सिंगर नहीं सुना। उसमें अलग अलग तरह के उनके, थोड़ा सा क्लासिकल टाइप हो तो भी गा लेते थे, और बाकी जिस तरह वो योडलिंग करते थे और गानों में हजार हरकतें करते थे, वैसे मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। बहुत ही अच्छे सिंगर थे वो, और उनकी आवाज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। फेवरेट आर्टिस्ट हैज बीन किशोर कुमार सर, एंड अभी उनका बर्थडे भी था ऑन 4th अगस्त, सो वी ऑल रियली लव दैट गाय बिकॉज़ ही हैज डन सम अमेजिंग स्टफ फॉर बॉलीवुड। उन्होंने एक्टिंग भी किया है, डांसिंग भी किया है, कॉमेडी भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, सो ही इज अ मल्टीटास्कर, एंड उनसे सीखने को बहुत मिलता है। मैंने कभी ना देखा, ना कभी बात किए, ना कभी सुना, ना कभी उनके साथ मेरा मुलाकात हुई। बस मन ही मन में उनको गुरु मानता था, मन ही मन में उनको फॉलो करता था, एंड मैंने बाद में सुना कि अब्दुल ने बोला था कि किशोरदा मेरे से मिलना चाह रहे थे। जब मैं किशोरदा का लाइन से सब गाना कवर वर्जन कर रहा था, तो अब्दुल उनका जो सेक्रेटरी था बोला किशोरदा आपसे मिलना चाहते थे, और बोला था मेरे को कि ये लड़के से मिलाओ मेरे को, ये बेटा मेरे जैसा गाते हैं तो मिला उसको, तो ऐसा बात हुआ था। तो उसके बाद ये देहांत हो गया उनका। मेरा भी नसीब ऐसा है कि मैं कभी मिल नहीं पाया। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे, ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, या दो जान एक एक जिस्म हो गए, या दो जिस्म एक जान। इनफैक्ट ये पहली भी बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर किशोर कुमार की बायोपिक बन रही है तो वो मुझे ही करनी चाहिए क्योंकि मैं गाता भी हूँ, और उनके बारे में जानने का बहुत मुझे शौक़ है। मैं उनके किस्से सुनता रहता हूँ या फिर पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में, उनके गाने बहुत सुनता रहता हूँ, तो आई थिंक मैं डिजर्व करता हूँ किशोर कुमार की बायोपिक करना। आई जस्ट पुट इट इन द यूनिवर्स राइट नाउ। किशोरदा एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर थे, यानी आर्टिस्ट कमाल के थे ही थे, पर उसके अलावा उनकी जो एक अंदर एक एक कॉमेडी खुद के अंदर, आई थिंक वो पांच, जैसे कहते हैं ना, वो डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, और तो वो कुछ उनके अंदर कुछ पांच अलग अलग कैरेक्टर्स हमेशा घूमते रहते थे। वो इतने रैंडम थे कि कभी भी कुछ हो सकता था उनके साथ में। प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में, बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज्यादा था और कहीं ज्यादा जागृत था। प्लेबैक सिंगिंग शायद उन्होंने एक्सीडेंटली शुरू कर दिया। बहुत से गाने जो उन्होंने देव साहब के लिए गाए, राजेश खन्ना के लिए गाए, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे, मुझे बहुत पसंद थे वह। लेकिन इन तमाम चीजों में एक बात जो, या जब भी मेरा संपर्क उनके साथ हुआ जो उभरी, वो थी उनमें एक इंसानियत। वो चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे उन पे कितने ही संकट हों, खुशी का मौका हो, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर एक इंसानियत थी। कोई शब्द नहीं है, किशोरदा एक हरफन मौला सिंगर थे, साथ में एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, कॉमेडियन एक्टर थे, और गायकी के फील्ड में तो वो शहंशाह थे, और उनकी गायकी को सीख के आज हम सब जितने भी गायक हैं प्रेरणा लिया है, बहुत कुछ सीखा है उनसे, और हमेशा सीखते रहेंगे। और बहुत महान सिंगर नहीं कहूँगा मैं, एक्चुअली वो बहुत महान आत्मा हो गई,
क्योंकि ये ऐसे काम वही आत्मा कर सकती है जो बहुत गहन और बहुत डीप सोचती हो। सो किशोर कुमार जी को हमारे इतने बड़े गुरु हैं, हमने इनसे इतना सीखा है कि इनके सामने हिमाकत ही होगी कि हम कुछ गाने का भी हिम्मत भी करें इनके सामने गाने की, जब तक वो खुद ना होगी। वैसे आपने कहा बहुत सीखा है, बहुत क्या सीखा कभी अपने किसी गाने में आपने किशोर दा के किसी गाने से रेफरेंस किया? ऑफ कोर्स, बहुत सारे। अब बता दो मैं कितने गाने हैं जी। अब आपको लगता है कि ये जो गाना मेरी दुनिया तुझे मैं कहीं, दिस इज एब्सोल्युटली किशोर कुमार जी का स्टाइल। लाइन में जो मेरे आइडल हैं, जिनको मैं बहुत मतलब ध्यान से सुनती थी और कोशिश करती थी कि हमें भी ऐसा ही कुछ करते रहना चाहिए, वो है किशोर दा। और किशोर जो गाने में अपनी चीज़ें डालते थे वो देख के ऐसा लगता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर ने गाना अगर 90 किया है तो 100 करके म्यूज़िक डायरेक्टर के हाथ में गाना कैसे देना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा। किशोर कुमार जो है मेरे हिसाब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेल सिंगर्स में टॉप 10 इज किशोर कुमार, उसके बाद बाकी सिंगर्स आते हैं, तो मैं उनको इतना चाहता हूँ। ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी एवर हर्ड, और उसकी आवाज़ की देयर इज नो वन हु कम्स क्लोज, इमिटेटर्स है मगर नो वन कम्स क्लोज टू हिम। और वो गाए भी, जो गाने भी गाए, वी सैंग विद द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड गॉट द बेस्ट सॉन्ग्स एट दैट टाइम, एंड हिज वर्सेटिलिटी वॉज समथिंग दैट रियली वॉज अमेजिंग। की कुछ भी टाइप का गाना गाया, अगर क्लासिकल गाया या फनी गाना गाया या जैसे पड़ोसन में वो गाया, यू नो, एक चतुर नार, आई मीन दैट वाज समथिंग एल्स टू हियर दैट काइंड ऑफ सिंगिंग। एंड मोर देन एनीथिंग आल्सो ही वाज सच अ गुड एक्टर।